उदयपुर पिछले कुछ सालों में राजस्थान का वन ऑफ द हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। और अगर आप भी एक उदयपुर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वो प्लेसेस है जो आपको डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए, दैट यू मस्ट विजिट इन उदयपुर इज ऑफ कोर्स द सिटी पैलेस। सिटी पैलेस एक पैलेस का पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर छोटे बड़े कुछ 11 महल है। सिटी पैलेस को बनाने में कुछ 400 साल का टाइम लगा था और आप जब इसके अंदर जाके इसका आर्किटेक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा ये कितना इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है। सिटी पैलेस की जो एंट्री फीस है वो है कुछ 300 रुपीज पर पर्सन और इसका विजिटिंग का जो टाइम है वो 9:30 AM सुबह से लेके 5:30 PM शाम तक है। सिटी पैलेस को पूरा एक्सप्लोर करने में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं एंड आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे गाइड ले लीजिए जिससे कि इस पैलेस से जुड़ी सारी छोटी मोटी डिटेल्स आपको मिल जाए। एंड ट्रस्ट मी, सिटी पैलेस में बहुत सारी चीजें हैं। भक्तों का कल्याण, सालों साल पुरानी इस मंदिर की शिल्पकारी और मंदिर में मौजूद भगवान की भव्य मूर्त को देखने दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। करीब 400 साल पुराने इस मंदिर की स्थापना उदयपुर के तत्कालीन महाराजा जगत सिंह प्रथम ने की थी और आज ये मंदिर अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। उदयपुर की ऐसी ही ऐतिहासिक इमारतों में एक नाम है लेक पैलेस का। न सिर्फ उदयपुर बल्कि पूरे राजस्थान की शान ये 5-स्टार होटल कभी महाराणा जगत सिंह का महल हुआ करता था, लेकिन आज इसे एक होटल में तब्दील कर दिया गया है। पिछोला झील के बीचों बीच मौजूद ये महल पहले जग निवास के नाम से जाना जाता था जिसे 1743 में महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था। आज इस 65 कमरों वाले होटल को शाही अंदाज में सजा दिया गया है जहां यहां पर आज गेस्ट को 5-स्टार लेवल की सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। यहां टूरिस्ट बोटिंग ज़्यादा एंजॉय करते हैं तो आप भी यहां सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक बोटिंग कर सकते हैं। 4:15 से लेके 8 बजे तक खुला रहता है। अब चलते हैं थोड़ा ओल्ड सिटी से बाहर और देखते हैं सज्जनगढ़ फोर्ट जो कि एक हिलटॉप पैलेस है। महाराणा सज्जन सिंह के नाम से इस फोर्ट का नाम रखा गया सज्जनगढ़ फोर्ट। ये फोर्ट से पूरी उदयपुर सिटी दिखाई देती है, उसके साथ साथ लेक्स का भी बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। उस जमाने में मेनली ये फोर्ट का यूज होता था मानसून सीजन के जो बादल आते हैं उसको देखने के लिए, ताकि पता चले बारिश कब होने वाली है, और इसीलिए इस फोर्ट को मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि तब उस जमाने में राजा जंगली प्राणियों का शिकार करने के लिए भी ये फोर्ट का यूज़ करते थे। यहाँ से पूरे उदयपुर सिटी का और लेक्स का बहुत अच्छा व्यू मिलता है। उसके साथ साथ ये प्लेस सनसेट के लिए बहुत ही फेमस है, तो अगर आपको सनसेट देखने में इंटरेस्ट है या फिर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप 2 बजे तक है, पर एंट्री जो है वो शाम के 5 बजे के बाद यहाँ बंद कर दी जाती है। तो अगर आपको सज्जनगढ़ फोर्ट पे सनसेट देखना है या फिर विजिट करना है सज्जनगढ़ फोर्ट को, तो मेक श्योर कि आप शाम को 5 बजे से पहले इसकी एंट्री ले लें। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ लेक्स की जिसके लिए उदयपुर सबसे ज़्यादा फेमस है। वैसे तो उदयपुर में 5 से ज़्यादा लेक्स है, बट सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट के लिए फेमस है वो है लेक पिचोला एंड फतेह सागर लेक। सबसे पहले आइए बात करते हैं लेक पिचोला की जो कि उदयपुर सिटी के एकदम बीच में है। लेक पिचोला एक आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है और पिचोली गांव के बाजू में बनाई गई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा पिचोला लेक। सिटी पैलेस भी लेक पिचोला के पास ही है। उसके साथ साथ आप लेक पिचोला पे बोटिंग करके दूसरे भी काफ़ी सारे प्लेसेस हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेक पिचोला में आप जग मंदिर के साथ साथ लेक पैलेस जो कि जग निवास के नाम से भी जाना जाता है वो भी विजिट कर सकते हैं। जग निवास एक पैलेस हुआ करता था बट आज एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है और टूरिस्ट के लिए ये प्लेस ओपन है। अब बात करते हैं उदयपुर की दूसरी सबसे फेमस लेक के बारे में जो कि है फतेह सागर लेक। इस लेक को महाराणा फतेह सिंह ने बनवाया था और इसीलिए इसका नाम है फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक पे भी आप बोटिंग कर सकते हैं बट हमने जब दिसंबर में विजिट किया था तब यहाँ पे कोविड की वजह से बोटिंग बंद थी। फतेह सागर लेक पे आप बोटिंग के अलावा कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं। ये प्लेस अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी काफ़ी जाना जाता है
सो आई वुड सजेस्ट कि आप इवनिंग के टाइम पे फतेह सागर विजिट करें, क्योंकि तब यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा होता है, लाइटिंग भी होती है और आप आराम से बैठ के स्ट्रीट फूड एंजॉय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस है सहेलियों की बारी। ये एक गार्डन है जो राणा संग्राम सिंह ने बनाया था अपनी रानी और उनके साथ आई 48 मेड्स के लिए। ऐसा बोला जाता है कि ये गार्डन खुद राजा ने डिज़ाइन किया था और उनकी रानी और उसके साथ आई 48 मेड्स को ये गिफ्ट किया था ताकि वो यहाँ पे प्लेजरेबल मोमेंट्स और रिलैक्सेशन के लिए आ सके। सहेलियों की बारी की जो एंट्री फीस है वो 20 रुपये पर पर्सन है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए, जैसे कि वेलकम फाउंटेन्स, बर्ड फाउंटेन्स, गार्डन एंड मार्बल स्ट्रक्चर्स। लास्ट बट नॉट एट ऑल लीस्ट प्लेस जो हमारी लिस्ट में है वो है शिल्पग्राम। शिल्पग्राम का मतलब होता है आर्टिस्ट का विलेज और ये प्लेस आप जब विजिट करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना खूबसूरत ये प्लेस बनाया गया है। यहाँ पे आपको वेस्टर्न स्टेट्स जैसे कि गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के जो भी कल्चर और हिस्ट्री है उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे पुराने टाइम में कैसे घर हुआ करते थे और उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हुआ करते थे वो सब बनाया गया है। उसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने मिलके पूरा एक स्कल्पचर पार्क भी बनाया है। इसके अलावा डिफरेंट कल्चर के पुरानी ज्वेलरीज, आर्टिफैक्ट्स और वस्तुएं कैसी होती थी वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है और एक्चुअली आप ये सारी चीज़ें बाय भी कर सकते हैं। शिल्पग्राम की एंट्री टिकट है वो 55 रुपीस पर पर्सन है और ये जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 7 AM से लेके शाम के 7 बजे तक ओपन रहता है। आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ कम से कम 1 से 1.5 घंटा स्पेंड करें ताकि आप ये पूरा आराम से एक्सप्लोर कर सकें। सो गाइज, ये थे कुछ प्लेसेस जो हमने उदयपुर में हमारी ट्रिप के दौरान विजिट किए थे। इसके अलावा एक और प्लेस है जो हमारी लिस्ट में था बट हम टाइम के चलते विजिट नहीं कर पाए थे और वो है करणी माता टेम्पल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप 2 दिन में ये सारी प्लेसेस कैसे विजिट कर सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि ऑन डे 1 आप मॉर्निंग में 9 बजे जगदीश टेम्पल विजिट करिए। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। उसके बाद 9:30 आप सिटी पैलेस में एंट्री ले लीजिएगा क्योंकि सिटी पैलेस 9:30 को ओपन हो जाता है और आपको बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलेगा। सो 9:30 से 11 बजे तक आप पूरा सिटी पैलेस आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। 11 बजे आप लेक पिचोला पे बोट राइड लेके जग मंदिर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा आपके हिसाब से रह के फोटोग्राफी करके एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी प्लेसेस आप आराम से चल के एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि ये सभी प्लेसेस एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक है। सिटी पैलेस के बाद आप करणी माता टेम्पल विजिट कर सकते हैं जो कि सिटी पैलेस के जो एग्जिट गेट है वहीं से उसका रास्ता पड़ता है। इवनिंग में आप फतेह सागर लेक जाके बोटिंग कर सकते हैं और स्ट्रीट फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगर आपकी होटल जगदीश टेम्पल के पास है तो आप मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं सुबह और शॉपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप 11 बजे अराउंड सहेलियों की बारी विजिट करें। वहां से आप 12:30 के अराउंड शिल्पग्राम विजिट कर सकते हैं जहां पे आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। लंच के बाद 4 बजे आप सज्जनगढ़ फोर्ट चले जाइए बिकॉज 5 बजे के बाद वहां पे एंट्री बंद हो जाती है। वहां आप 2 घंटे में फोटोग्राफी कर सकते हैं, सज्जनगढ़ पैलेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और लास्ट में सनसेट देख के आप 6:30 के आसपास वापस भी आ सकते हैं। सो गाइस, ये था 2 दिन का आइटनरी जो हमने फॉलो किया था हमारी उदयपुर ट्रिप में। चाहे तो आप ये फॉलो कर सकते हैं जिससे ये सारी प्लेसेस आप आराम से 2 दिन में देख सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं उदयपुर में, अगर आप विजिट करना चाहें तो आप 1 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं। बट मैंने जो लिस्ट दी है उसमें जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन की फेमस प्लेसेस है वो हमने कवर कर ली है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट